हेलो एंड नमस्ते, और आपका स्वागत है ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11 में। और आज हम बात करने वाले हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में। सो दिस विल बी अ वीडियो अबाउट डिफरेंशिएटिंग फॉल्स ट्विन फ्लेम फ्रॉम ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या है और फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते एक फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप और ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में, दिस इज वो तो video's main theme is going to be. So false twin, first and foremost, aapke journey mein aapke liye ek blessing hai, kyunki false twin flame ek catalyst ke tarah hote hai jo aapke life mein aate hai, aapke journey mein aate hai, aapke twin flame journey ko, aapke union ke process ko accelerate karne ke liye. वो आपकी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आपके जर्नी के प्रोसेस को, आपकी यूनियन के प्रोसेस को कैटलाइज कर देते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आपकी यूनियन जल्दी ले आती है, क्योंकि वो आपके डार्क सीटेड, जो भी आपके डार्कनेस है, जो भी आपके वर्स्ट हिडन ट्रॉमा है, वो कहीं ना कहीं आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपके बाहर निकल के लाएंगे। दे ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ यू। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको बात बात पे इंसल्ट कर सकता है, आपको बात बात पे ऐसा महसूस करा सकता है कि आपके कोई अहमियत नहीं है। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको लिटरली ऑल टाइम ऐसे महसूस करा सकते हैं कि यू नॉट गुड इनफ। और आपके अगर ये सब थॉट प्रोसेसेस है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझ में ये चीज़ अच्छा नहीं है, मुझ में वो चीज़ अच्छा नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, ये सारे जो थॉट प्रोसेसेस है, ये जो सारे अंडरस्टैंडिंग है आपके फॉल्स ट्विन जो करते हैं, ये सारे थॉट प्रोसेस को सरफेस पे ले आते। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, लिटरली वो इनसिक्योरिटीज़ के जो मास्क रहता है आपके अंदर, वो फॉल्स ट्विन आपके ट्रिगर करते हुए वो मास्क को बाहर ले आते। तो जो अब वो मास्क बाहर आ रहे हैं, वो आप पूरे तरीके से अंदर जाते हुए उसकी हीलिंग करवा सकते। आपके फॉल्स ट्विन आपके साथ कभी नहीं देंगे, आपके साथ डीप स्पिरिचुअल वर्क करने में कभी भी राजी नहीं होंगे। इनफैक्ट वो कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बकवास चीज़ है, तुम जो करते हो बकवास चीज़ है, तुम जो चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, मुझे वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये फॉल्स ट्विन के माइंड सेट होते। आपकी ट्विन फ्लेम की कॉन्शियसनेस और आपके कॉन्शियसनेस सेम है। आप जितना अवेकेंट हो, आपके ट्विन फ्लेम भी उतना ही अवेकेंट है। आप अगर मन लगा के इनर वर्क कर रहे हो, आप अगर अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अगर अंदर जाते हुए अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपके ट्विन फ्लेम भी अंदर जाते हुए अपने हीलिंग के ऊपर कमिट करेंगे, अपने इनर वर्क के ऊपर कमिट करेंगे। लेकिन आपके फॉल्स ट्विन, आप जितना अंदर जाएंगे, जितना भगवान के साथ एक होंगे, जितना इनर वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, जितना आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर कमिट करेंगे, आपके ट्विन फ्लेम उतना दूर, आपके जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो आपसे उतना ज़्यादा दूर चला जाएगा। आपके ट्विन फ्लेम आपके नज़दीक आते जाएंगे और आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपसे दूर चले जाएंगे। जब आपने प्रॉपर तरीके से इनर वर्क कर ली है, एक टाइम पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज सो बोरिंग, उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं एक्सप्लोर करने के, बस एक आपके वहम थे, एक इल्यूजन में आप जी रहे थे कि देर इज लव, देर इज एक्साइटमेंट, देर इज मैजिक। बट वो सारे मैजिक एक्साइटमेंट आप अंदर अपने थॉट्स में महसूस कर रहे थे, अपने इमोशंस में महसूस कर रहे थे, लेकिन आप जब बाहर की रियलिटी में झांक के देख रहे हैं, तो वो सामने वाले इंसान के ना ही इमोशंस है, ना ही वो इंसान वो सारे चीज़ महसूस कर रहे। आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे, आपको बहुत सारे कुछ दिख रहे, और आप कर रहे हो उस इंसान को परस्यू, लेकिन उस इंसान को कुछ नहीं दिख रहा है, उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस इंसान को लग रहा है कि यू आर क्रेजी, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, व्हाट आर यू सेइंग, ये वाले रिएक्शन उनके आते हैं। और ये वाले रिएक्शन जो आपके फॉल्स ट्विन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं क्योंकि एक साइन है यूनिवर्स से, आपको दिखा रहे यूनिवर्स की ये जो इंसान है ये वो चीज़ महसूस नहीं कर रहे जो आप महसूस कर रहे। तो आप जो अंदर महसूस कर रहे, आपके ट्विन फ्लेम भी अंदर महसूस कर रहे। अब अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए अपने अंदर जाते हुए अपने फीलिंग्स इमोशंस को पूरे तरीके से महसूस करते हुए ही आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक हो सकते हैं। इट्स दैट ईजी।
बट आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स दिखाएंगे, ऐसे भी कई सारे ट्रिगर्स दिखाएंगे, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट ट्रिगर्स, जो शायद आपको बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भी बाहर निकल के लिटरली रिलीज कर देंगे, ताकि आप वो सारे चीज़ों की हीलिंग खुद कर सकते हो। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम, इट्स ऑन दैट आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम जो भी करे आपके साथ ऑन पर्पस करे, बट आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं, और आपके लाइफ में, आपके वाइब्रेशनल मैच में, आपके माइंड सेट के साथ, उनके जो उनके वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ माइंड के जो भी एक्शंस है, वो कैटलिसिस के तरह इस वक्त एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे, ताकि आप दोनों अपने रास्ते पे शाइन कर पाए फुल पोटेंशियल के साथ। आप दोनों एक दूसरे को कैटलाइज कर रहे हो। आप भी उनके फॉल्स ट्विन फ्लेम हो, वो भी आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। फॉल्स ट्विन फ्लेम को पूरे तरीके से प्यार करते हुए जाने देना, फगीव करते हुए जाने देना इज द की टू कॉल इन योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आएंगे चले जाएंगे, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेंगे, और जब भी रह रहे अपने कुछ चीज़ लेने के लिए रह रहे, वो पैसा हो सकता है, सेक्स हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, प्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बस आपके लाइफ में आते हैं आपसे कुछ लेने के लिए। लेकिन जब आपको देने के वक्त आते तो वो आपको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि वो तब कहते कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे वहाँ पर काम आ गया है, मुझे घर पर ये काम करना है, मुझे ऑफिस पर ये काम करना है, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वाले मेंटालिटी उनकी रह जाती, क्योंकि वो डीप सीटेड कमिटमेंट नहीं करना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप से, बस वो मजाक में अभी इस सिचुएशन में फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो एनर्जी महसूस हो रहे, बट वरना डीपली अंदर जाते हुए झांकते हुए आपसे कुछ महसूस करने के लिए जो फीलिंग के डेप्थ की ज़रूरत है, वो प्यार ही आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपकी तरफ महसूस नहीं करते। और आप भी एक्चुअली ऑन अ डीप लेवल आप भी अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के लिए वो प्यार महसूस नहीं करते, वो प्यार आपके महसूस होते हैं आपके ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन कोई भी कारण की वजह से अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाए, या फिर आपकी ट्विन फ्लेम से आप अभी तक मिले नहीं हो, प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हो, इन एनी केस फॉल्स ट्विन आपके लाइफ में आ सकते, वो प्रेशर वगैरह देने के लिए आपको अंदर से, ताकि आप डीपली झांकते हुए अपने इनर लोगों के ऊपर ध्यान देते हो, भगवान के ऊपर ध्यान देते हो। जर्नी इज़ ऑल अबाउट सर्विंग गॉड, द जर्नी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर रिलेशनशिप बेटर विद द डिवाइन, द जर्नी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन, द जर्नी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग द वननेस विद गॉड। आप जितना भगवान पे कमिट करेंगे इस जर्नी में, भगवान के साथ एक होने में, इस जर्नी में कमिट करेंगे, उतनी जल्दी आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी रियलिटी में आएंगे। आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ इनफैक्ट आपके वो स्पार्क, इनिशिएशन, लव एट फर्स्ट साइड वाली फीलिंग आ सकती है, अनयूजुअल अननेचुरल सिंक्रोनिसिटीज आ सकते हैं, बार 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 सिंक्रोनिसिटी देखना। इसके साथ साथ इनफैक्ट आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपके ज़िंदगी में सीरीज ऑफ अनलकी इवेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये सोच सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें आपको पुश करें अंदर जाके झाँके अपने इनर वर्क करने के लिए, डीप सीटेड इश्यूज हील करने के लिए, जो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको भयानक तरीके से ट्रिगर करेंगे, ताकि आप अंदर जाते हुए अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फॉल्स ट्विन जर्नी इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई फॉल्स ट्विन जर्नी कम्स। तो एक ट्विन फ्लेम के साथ जब आप रहेंगे, आपके फ्लो बहुत नेचुरल होंगे, आप ऐसे महसूस होगा जैसे कि आप घर पे हैं, कोई भी इंसान आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान बाहर से आया है, कोई और है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे ये सारी चीज़ नहीं करना है, मुझे आई नीड टू लाइक डेक अप माई सेल्फ, ड्रेस अप माई सेल्फ एंड सिट विथ माई ट्विन फ्लेम, ये वाले मेंटालिटी आपके नहीं रहेंगे ट्विन फ्लेम के साथ। फॉल्स ट्विन फ्लेम को आप हमेशा वो पेडेस्टल पे डालते रहेंगे, और अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को आप हमेशा लिटरली आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक पेडेस्टल पे डालते हुए पूजा करने की वो मेंटालिटी से देखेंगे, और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे, और अपने ऊपर बाहर से काम करते जाएंगे, अपने आप को बेस्ट स्टेट में रहने के लिए आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ इनफैक्ट अपनी ऑथेंटिक सेंस सेल्फ ऑफ सेल्फ ही नहीं हो पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ छुपाएंगे, आपके इमीडिएट रियलिटी में जो भी चीज़ों से आप शर्मिंदा हो,
आप वो सारे चीज़ें अपने फॉल्स ट्रू क्लेम से पूरे तरीके से हाइड करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को एक शेल में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो सारे चीज़ अपने फॉल्स ट्रू क्लेम के साथ सामने आए और वो आपको और भी ज़्यादा इंसल्ट करे। तो ऑलरेडी आप एक शेल में रहना शुरू करे, प्रोटेक्शन शील्ड में रह रहे हो। आपके ट्विन फ्लेम जो है, प्रोटेक्शन शील्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप है। आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो चीज़ चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम को भी वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ पसंद है। तो एग्जैक्ट लेवल पे जब मिररिंग होती है तो कोई शील्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप रॉ ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ में अपने आप को फ्लो करने देते हो, आप अपने आप में हो रहते हो, अपनी ऑथेंटिसिटी में रहते हो। आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आते हैं सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ। आपके ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तब यू कैन हेल्प अदर्स। आप जब खुद के हीलिंग इनर वर्क के काम कर रहे हो, खुद के इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड हो, खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस हो, तब बहुत टाइम फॉल्स ट्विन अट्रैक्ट होते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशनल मैच आपके ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशनल मैच से क्लोज होते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ रहेंगे आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम में जो आपके ट्विन फ्लेम में भी है। मोर टू दैट, फॉल्स ट्विन जर्नी में जो लोग रहते थे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो लोग डर जाते कि नहीं, अगर इसको जाने दिया तो कोई बेहतर नहीं आएगा, कोई और नहीं आ सकता है मेरी ज़िंदगी में, मेरा ट्विन कौन होगा, मुझे और एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतना इनर वर्क किए इस रिलेशनशिप में, इसमें फॉल्स ट्विन फ्लेम में, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मेरे खुद के साथ ऐसा था कि आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ माय फॉल्स ट्विन बिकॉज आई डिड सो मच ऑफ इनर वर्क। आई वाज लाइक आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, आई डोंट नो हु माय ट्विन इज, मुझे नहीं जानना है मेरे ट्विन कौन है, मुझे इसी के साथ रहना है। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई जर्नी मैं लिटरली अपने मेरे जो ट्विन है मैं देखना नहीं चाहती थी कि वो मेरे ट्विन है, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट कि ओके दैट इज़ माई ट्विन फ्लेम, बिकॉज ओके आई हैव सो मच इनर वर्क टू डू, देन आई हैव सो मच ऑफ पेन टू गो थ्रू, बिकॉज ओके इफ दैट पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम इज सच आई कैन विल कंसिडर माई फर्स्ट ट्विन फ्लेम टू बी माई ट्विन फ्लेम। एंड एवरी टाइम मेरे फर्स्ट ट्विन मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे, मुझे कभी भी कमिट करने के लिए राज़ी नहीं होते थे, और जब भी मैं स्पिरिचुअल डीप डाइविंग वर्क की बात करती थी तो दैट पर्सन वुड बी लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट। और इन एवरी वे मेरे फर्स्ट फ्रेंड हमेशा मुझे दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, वो कहाँ पे सही है। गेस योर फर्स्ट फ्रेंड प्ले माइट बी इंटरेस्टेड टू बिजनेस विथ यू बिकॉज एज आई सेड वो लोग कुछ लेने आते, तो अगर वहाँ से आप उनको फिनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो सुपरफिशियल लेवल पे वो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपके काम पे भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन दैट विल ओनली टू बी दैट लेवल ऑफ वर्क। काम के बाद इमोशनली जब आपके साथ बात करने के टाइम आए वो कभी भी नहीं रहने वाले। आप शायद बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब ये इमोशनली सुधर जाएगा, इमोशनली मेरे साथ इन्वॉल्व होगा, बट इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आप ईच लेवल पे देखते जाएंगे कि ओके ये इंसान जितना टाइम जा रहा है, मैं जितना इनर वर्क कर रही हूँ, जितना मैं खुद की सेल्फ डेवलपमेंट कर रही हूँ, ये इंसान और भी ज़्यादा मुझसे दूर जा रहा है और मुझे इंसल्ट कर रहा है और भी ज़्यादा मेरे वो और भी ज़्यादा आपके सेल्फ एक्सट्रीम को एस्टीम को ट्रिगर करेंगे। बिकॉज ये ट्रिगर करते हुए आप अपने ट्रू वर्क इनर वर्क में जाते हुए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम सेल्फ लव में पूरे स्टैंड लेते हुए ताकि आप उनको जाने दे सकते हो, ये फ़र्क ना पड़ते हुए कि सोसाइटी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या अच्छा है, लोगों के लिए कौन सी चीज़ सही है गलत है, बट ये सोचते हुए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, आपकी इज्जत किस में है, आपकी होलनेस किस में है, व्हेन डू यू फील होल ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ लव, ये बिलीव करते हुए कम्प्लीटली अपने अंदर जाते हुए खुद से रिलेशनशिप कमिटमेंट के खुद के साथ रहने के जब आप जर्नी में आने के लिए जो एक्सेलरेशन की ज़रूरत होते फर्स्ट ट्विन फ्लेम वो एक्सेलरेशन क्रिएट करते हुए। सो फर्स्ट ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी, और फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आती है ताकि आप अंदर जाते हुए अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी हीलिंग कर सकते और उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के वाइब्रेशन में हैं और वाइब्रेशनल मैच है अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। और योर ट्विन फ्लेम इज समबडी जो आपके बेस्ट फ्रेंड के जैसे होंगे, आपके घर वाले के जैसे होंगे, आप घर पे जैसे रहते हो वैसे ही हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के साथ रह सकते हो। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ बात करने के बाद कुछ प्रिटेंड नहीं करेंगे, अपने ऑथेंटिक फ्लो में फ्लो करेंगे, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कुछ भी बात कर सकते हो। एक्सट्रीम लेवल पे ट्विन फ्लेम के रिजेक्शन भी होते हैं, ऐसे आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम आपको कमिट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते थे कि अच्छा वो मुझसे बात नहीं कर रहा है,
इसका मतलब वो मुझे अभी रिजेक्ट कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो अभी रन कर रहा है। ये बहुत लोगों के कन्फ्यूजन हो जाता है, दैट इज़ वाई पीपल डोंट वॉन्ट टू बिलीव कि नहीं ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, दैट इज़ द शील्ड दैट दे क्रिएट। और तब अगर आप किसी को कहते भी हो कि दिट्स अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, द पर्सन विल गेट ट्रिगर्ड कि नो दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम। सो दैट हैपन्स बिकॉज वो एक शील्ड में, वो जो शील्ड में वो बना के रखा है, वो शील्ड में इंसान बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, और उसे लगता है कि अगर ये सिचुएशन में और भी चेंज होता है तो वो शील्ड को हटाना पड़ेगा। और वो शील्ड है, वो बेरियर है कि अपने ऑथेंटिसिटी, ये है एक शील्ड और ये है आपकी ऑथेंटिसिटी। और आप अपने ऑथेंटिसिटी में फ्लो करते हुए जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो, यू कैन जस्ट फ्लो एंड बी लाइक ओके आई एम कम्प्लीटली फ्री एंड हैप्पी इन हु आई एम, आई चूज टू बी मी एंड आई चूज टू बी माई ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन वॉट पीपल रियली थिंक ऑफ मी, वॉट पीपल लाइक अबाउट मी, वॉट पीपल डोंट लाइक अबाउट मी, आई डोंट केयर। मैं अपने ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ में रहने के लिए तैयार हूँ, इवन इफ देयर इज जस्ट मी हू अग्रीज टू व्हाट आई बिलीव आई विल बी हियर। जिस वक्त आप ये स्टेट में रहते हुए वो शील्ड, वो प्रोटेक्शन शील्ड को अपने शरीर से निकालते हो, उस वक्त आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए, सरेंडर लेते हुए, लीप लेते हुए उस स्टेज पे जाते हो जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए वाइब्रेशनल मैच हो जाते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ इट विल बी लाइक जस्ट बीइंग यू, कोई अलग डिफरेंस नहीं होगा। और आपके ट्विन फ्लेम के साथ लव विल बी एक्सट्रीम, आप जितना रोमांटिक हो, आपके जो भी चाहते एक्सपेक्टेशंस है हमेशा से रहे रिलेशनशिप से, आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही चीज़ें वैसी होंगे। व्हेन यू नो हु यू आर, आप जब आपको जब पता है पूरे तरीके से आप कौन हो, आप जब श्योर हो कि ये मैं हूँ, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये मेरे वैल्यूज़ है, दिस इज़ हु आई एम, आपके ट्विन फ्लेम विल बी एग्जैक्टली दैट पर्सन। बहुत बार एक और भी चीज़ होती है कि आपको डर लगता है कि नो नो कहीं वो इंसान तो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, आई एम सो स्केयर्ड। अगर आप किसी के बारे में सोचते हुए स्केयर्ड हो रहे हो कि वो इंसान तो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, उस फियर के जड़ समझने की कोशिश कीजिए। ये हो सकता है कि आपको वो इंसान पसंद ही नहीं है, उनके तरीके ही पसंद नहीं है, और इसलिए आप डर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने तरीक़ों से एक नहीं हो रहे हो, अपने तरीके को अपना नहीं रहे हो, अपने तरीक़ों से एक होते हुए अपने तरीक़ों में फ्लो नहीं कर रहे हो, और किसी और के तरीके में आप जी रहे हो, तो वही फियर वो इंसान के प्रेजेंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपके जो ऑथेंटिक एक्सपेक्टेशन है, आपके जो ऑथेंटिक ट्रुथ है, उसमें आपको फ्लो करते जाना है, एंड दैट विल लीड टू योर ट्विन फ्लेम यूनियन। सो दिस वॉज अ इंटरैक्टिव वीडियो अबाउट फर्स्ट ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम, आई होप दिस मेड सेंस टू यू। और इनफैक्ट फर्स्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा साइंस होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में कम साइंस होती है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम वाइब्रेशनल मैच में आ रहे हो, मतलब यूनियन की तरफ जा रहे हो, तो आपके बाहर की रियलिटी और अंदर की रियलिटी में एक अलाइनमेंट ऑलरेडी आ गई है। जब अलाइनमेंट में एक चिर आ रही है, तब बहुत सारे साइंस आते हैं, ताकि आप अंदर जाके अपने अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू करते। जब आप अपने अलाइनमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तब साइंस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। सो ट्विन फ्लेम के जो साइंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू योर फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइक टू यू, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट अगेन। If you want to book a private session, coaching, healing, spellcasting session, नीचे दी हुई description box में आपको सारे details मिल जाएंगे। Thank you and love and light to you all. Namaste.